हेलो एवरीवन, मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट होरिजोन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का लास्ट सेशन है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू। जैसा कि आप हम सभी ने लास्ट टाइम पढ़ा था, मुगल्स श्रीनगर में एंटर करते हैं 14 अक्टूबर 1586 में, और कश्मीर अपनी इंडिपेंडेंस खो चुका होता है और मुगल्स एम्पायर का पार्ट बन जाता है। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मुगल रूल। देखो, मुगल रिमेन पावर इन कश्मीर 1587 से 1752 में रहते हैं। अराउंड 150 साल ये मुगल्स कश्मीर में रूल करते हैं। इन्जॉय पीस और ऑर्डरली गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमें इनके पीरियड में। आफ्टर अनेक्सिंग कश्मीर, जब कश्मीर को अनेक्स किया मुगल एम्पायर ने, तो इन्होंने कश्मीर को काबुल का पार्ट बना दिया और कासिम खान को फर्स्ट गवर्नर बनाया। ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स नोट करना। कश्मीर को काबुल का पार्ट बना दिया और कासिम खान को फर्स्ट गवर्नर बना दिया। तो आगे चलते हैं। मुगल एम्पायर अकबर फर्स्ट टाइम ये विजिट करते हैं कश्मीर में जून 1589 में। और इनके रीजन में राजा टोडरमल जी जो होते हैं वो ग्रेट फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं। ये रेवेन्यू सेटलमेंट करते हैं वैली में, और ये ब्रॉड फीचर प्रेजेंट सेटलमेंट रखते हैं इनके प्रोग्राम में, काफ़ी बंदोबस्त करते हैं ये जब जी आते हैं। अकबर बिल्ट हरी पर्वत फोर्ट ऑन द हिल ऑफ सेम नेम। हरी पर्वत एक माउंटेन होता है, उनके ऊपर ये हरी पर्वत फोर्ट बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। ये फोर्ट किला होता है वो बनाते हैं, और उसके साइडों पे इनसाइड द वॉल, ठीक है, वो किले के साइड पे जो दीवार होती है ना, ठीक है, उसके अंदर ये शहर बनाते हैं। नगर नोगर नाम से ये शहर बनाते हैं, वो सिटी बनाते हैं वहाँ पे। ह्यूज प्रोजेक्ट, ठीक है, होता क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। और इस प्रोजेक्ट में जो चक रिजम था ना, जो यूसुफ शाह चक थे, ठीक है, उनके उनके टाइम पे जो लोग सफर्ड हुए थे, जो जो लोग बेरोजगार थे या जो गरीब लोग थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और जब जब थर्ड टाइम विजिट करते हैं, तो इनके साथ फादर जिरोम जेवियर और बेनोइस्ट डी गोइस्ट, ये इनके साथ विजिट करते हैं। और इस टाइम इन्होंने लद्दाख को भी ऑक्यूपाई कर लिया होता है मुगल फोर्सेस ने। कश्मीर के साथ जो लद्दाख का एरिया है वो भी कैप्चर कर लिया होता है, इन्होंने अपने अंडर कर लिया होता है। अकबर आर्ट्स और लिटरेचर को लेके काफ़ी प्रोत्साहित रहे हैं। मोहम्मद हुसैन फेमस आर्टिशियन थे, ये अकबर के कोर्ट में रहते थे, अकबर के दौरान इनके इनके शासन में थे। आगे चलते हैं। जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर अलॉन्ग विद नूर जहां इनकी वाइफ होती है, सेवरल टाइम ये कश्मीर में विजिट करते हैं, काफ़ी बार ये कश्मीर में आते हैं। जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया था, और नूर जहां इनकी जो वाइफ थे, उनके जो भाई थे आसिफ खान, इनकी वाइफ के भाई आसिफ खान इनके साले, उन्होंने निशात बाग बनाया था। जो फेमस जगह है शालीमार बाग और निशात बाग कश्मीर में, काफ़ी फेमस जगह है श्रीनगर में, हम अगर जाओ तो। आंचल बाग और वेरियांग स्प्रिंग, ये झरने थे, इन्होंने इनको अच्छी खासी शेप दी। जहांगीर आल्सो अटेंडेड द वेलफेयर ऑफ पीपल, वेरियस टैक्स इन्होंने अबॉलिश किए, सती प्रथा को भी रोकने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया, इन्होंने इनका लोगों के प्रति काफ़ी प्रोत्साहित रहा। इनके बाद शाहजहां आते हैं। शाहजहां विजिट करते हैं कश्मीर में 4 बार। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शाहजहां ने कश्मीर में कितनी बार विजिट किया? 4 times, और अकबर ने कितनी बार किया? 3 times। और जब ये थर्ड टाइम विजिट किया, तो अकबर के साथ कौन कौन आया था? फादर जिरोम जेवियर और बेनोइस्ट डी गोइस्ट, ये दो बंदे थे, दो पर्सन थे जो उनके साथ आए थे। और फर्स्ट टाइम जब इन्होंने विजिट किया, तो उस समय उनके कोर्ट में कौन था? हरी पर्वत फोर्ट, राजा टोडरमल थे, इनके ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर थे जब इन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया। तो कंटिन्यू करते हैं। शाहजहां ने कितने बार विजिट किया? 4 बार विजिट किया। इन्होंने चश्माशाही गार्डन बनाया, हिज सन और बचा हुआ जो पोर्शन था ना शालीमार बाग का, उन्होंने कंप्लीट किया उसको। शालीमार बाग इन्होंने बनाया था जहांगीर ने, तो बचा हुआ पोर्शन इन्होंने कंप्लीट किया। इनके बेटे थे दारा
शिकोक, इन्होंने परी महल बनाया डल लेक के किनारे, डल लेक के किनारे जो हिल्स थे उनके ऊपर परी महल बनाया उन्होंने। उनके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब सिर्फ एक बार विजिट करते हैं 1665 में, और जब जी आते हैं फ्रांसिस बर्नियर, फ्रेंच ट्रेवलर होते हैं, इनके साथ जी विजिट करते हैं, जिनके साथ आते हैं। इनके रीजन में कश्मीर के में 14 गवर्नर चेंज हुए, 14 गवर्नर रहे इनके टाइम पीरियड के दौरान कश्मीर में। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है, मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, मुगल एम्पायर का डिक्लेन डिक्लाइन होने की घंटी बज गई कि अभी इसके बाद से मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। जो लेटर मुगल्स आए औरंगजेब के बाद, जो मुगल्स थे, उन्होंने वो आपस में ही अपने कामों काजों में इतना उलझे रहे, उन्होंने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो खुद में ही लूट और प्लंडर करने लगे, ठीक है, अपने में ही चाओस और कन्फ्यूजन करने लगे, वो मतलब लूटपाट करने लगे, चोरी चकैरी करने लगे, डकैतियां करने लगे। वो पीपल ऑफ कश्मीर कुड नॉट लॉन्गर टॉलरेट, कश्मीर के लोग ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे इनको। उन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली जो काबुल के रहने वाले हैं, वो लाहौर में आए हुए थे 1752 में, उसी टाइम के दौरान जब वो लूटपाट कर रहे थे, चारों तरफ उन्होंने कोहराम मचाया हुआ था उस समय लाहौर में 1752 में, काबुल के अहमद शाह अब्दाली हैं वो वहां पर विजिट किए हुए थे लाहौर में। तो दो कश्मीरी नोबलमैन होते हैं, फेमस बंदे होते हैं, मीर मुकीम कंत और ख्वाजा जाहिर दिदमारी, ये दो बंदे होते हैं जी। उनके पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर को अपने कब्जे में ले लो, अपने कंट्रोल में ले लो, क्योंकि मुगल्स के बस का अभी नहीं है, मुगल खत्म हो रही है, तो आप अपने वश में कर लो कुछ ना कुछ करके। तो उनके बाद क्या होते हैं, अहमद शाह अब्दाली जो फ्री हिटर होते हैं नादिर शाह के लुटेरे होते हैं वो, अहमद शाह अब्दाली, वो क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके ऑफर को और अपनी स्ट्रांग आर्मी को लेके जाते हैं, पावरफुल अफगान आर्मी को, अंडर द कमांडर ऑफ अब्दुल्ला खान इशाक। अब्दुल्ला खान इशाक अफगान आर्मी का कमांडर होता है उस समय। वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं वैली को अपने कब्जे में कर लेते हैं। मुगल का जो स्ट्रांग रेसिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है, उनको डिफीट कर देते हैं, उनको हरा देते हैं वो, और अफगान अपना झंडा लगा वहां पर प्लांट कर देते हैं, वहां पे लगा देते हैं अकबर स्टोन एंड नोगर, ठीक है, और रूल ऑफ जो मुगल का जो रूल था वो केम टू एन एंड, वो खत्म हो जाता है। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं, अफगान ने रूल किया 1753 से 1819 AD, 67 ईयर इन्होंने रूल किया। जो फर्स्ट अफगान गवर्नर थे अब्दुल्ला खान इसाक थे, इन्होंने अपने इमिडिएटली स्टार्ट द टेररिज्म स्टार्ट कर दी इन्होंने, ठीक है, इन्होंने लूटपाट स्टार्ट कर दी, एक किस्म का टेररिज्म एक्ट स्टार्ट कर दिया इन्होंने। आगे चलते हैं, पठान रूल रिगार्डेड एज द डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है इनको, इनको डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है, काला पीरियड कहा जाता है इसको पूरी हिस्ट्री में। रूलर्स ऑफ काबुल वर ग्रेट डिपोजिटर्स, दे रूल ऑल द पार्ट्स ऑफ कश्मीर रूथलेस इन द आयरन हैंड, द कोर स्टोन इन द पॉलिसी ऑफ टेरर। ये बड़े निर्दय और कठोर थे, हर साइड गौर निराशा और मायूसी सही हुई थी। पीपल कुड नॉट इवन मोर मूव वन स्ट्रीट फियर द, हाँ, लोग बाहर सड़कों पर घूमने से डर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे जो आधे बचे कुचे कपड़े हैं वो भी ये उन्होंने लूट लें, इतना इतनी लूट डाली हुई थी इन्होंने। अफगान ने मुगल से भी ज्यादा बुरा हाल कर दिया था कश्मीर का। एन अफगान गवर्नर अमीर खान जवानशहर बिल्ट अमीरा कंडल बनाया उन्होंने, शेरगढ़ी फोर्ट बनाया जेलम के ऊपर, आंचल और डल लेक को नल्ला अमीर कैनाल के साथ इन्होंने जोड़ दिया, कैनाल एक नदी थी उनके साथ इन्होंने जोड़ दिया दोनों लेक्स को। अमंग ऑल अफगान गवर्नर्स, जितने भी अफगान गवर्नर्स थे उनमें से सिर्फ एक अटा मोहम्मद था, एक एफिशिएंट और टॉलरेंट गवर्नर था, एक अच्छा गवर्नर माना गया। उन्होंने अपने आप को काबुल से इंडिपेंडेंस कर दिया, अपने आज़ाद कर दिया, और इन्होंने क्या किया, शेख नूरुद्दीन नूरानी नाम के ऋषि थे, कश्मीरी संत थे ये, उनके नाम पर इन्होंने कॉइन्स को इशू किया, सिक्के इशू किए इन्होंने।
काफ़ी ही बिल्ट फोर्टिफिकेशन एट सपोर, ठीक है, फोर्टिफिकेशन की इन्होंने, बेनिफिशियल रीजन रहा इनका, फोर्टिफिकेशन इन्होंने किलाबंदी करवा दी, किला कोई भी फोर्ट होते हैं, जो किला होते हैं उनकी दीवारों को और स्ट्रांग कर देना ताकि बाहर वाली आर्मी, बाहर के फोर्सेस उन पर अटैक ना कर पाए। इन्होंने अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिली इनके टाइम पीरियड में। बारामूला में कंस्ट्रक्शन की स्ट्रांग फोर्ट बनाया इन्होंने, कोही महार मरान नाम का एक स्ट्रांग फोर्ट बनाया इन्होंने। आगे देखते हैं, लास्ट अफगान जो गवर्नर रहे हैं जाबर खान थे, और इनके टाइम पीरियड के दौरान रंजीत सिंह ने फाइनली ऑक्यूपाई कर लिया कश्मीर को 1819 में, और इन कश्मीर को लाहौर दरबार का पार्ट बना दिया। और इसके साथ ही 500 साल का जो मुस्लिम रूल था कश्मीर में चल रहा, जो मुगल्स ने स्टार्ट किया था और इनके पहले शाह मीर डायनेस्टी आई थी मुस्लिम की, वो सारा ख़त्म हो गया जैसे ही रंजीत सिंह ने अटैक किया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ओवरव्यू दे लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, मुगल्स रूल 1587 से 72 तक रहा, इंजॉयड पीस और ऑर्डरली, अच्छी गवर्नमेंट देखने को मिली, कासिम खान फर्स्ट गवर्नर थे। अकबर ने फर्स्ट टाइम जब विजिट किया जून 1589 में, राजा टोडरमल उस समय ग्रेट फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर थे। हरी पर्वत फोर्ट बनाया इन्होंने उसी नाम के हिल के ऊपर, नगर नोगर नाम का शहर एक बनाया उन्होंने उस किले के अंदर। इस ह्यूज प्रोजेक्ट में चक रिज्म के जो लोग थे अनएम्प्लॉयड, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली। थर्ड विजिट में फादर जीरोम जेवियर और बेनोइस्ट डी गोइस्ट इनके साथ विजिट किया, लद्दाख को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। मोहम्मद हुसैन नाम के फेमस आर्ट और लिटरेचर थे जो कश्मीर के कोर्ट में देखे गए, कश्मीर के टाइम पीरियड के दौरान में देखे गए। जहांगीर ने नूर जहां के साथ काफ़ी बार कश्मीर में विजिट किया, शालीमार बाग बनाया जहांगीर ने, और नूर जहां के ब्रदर ने आसिफ खान ने निशाद बाग बनाया। आंचल और वेरियंग स्प्रिंग को इन्होंने अच्छी खासी शेप दी, लोगों के प्रति इनका काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिला, सती प्रथा को रोकने के लिए भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिए। शाहजहां की बात करें, 4 बार इन्होंने विजिट किया, इन्होंने चश्माशाही गार्डन को बनाया, और शालीमार का जो बचा कुचा पोर्शन था जो जहांगीर ने छोड़ दिया था वो कंप्लीट किया इन्होंने। इनके बेटे थे दारा शिकोक, इन्होंने परी महल बनाया, और डल लेक के साथ ही जो हिल थी वहां पर परी महल बनाया इन्होंने। औरंगजेब की बात की जाए, इन्होंने सिर्फ एक बार विजिट किया 1665 में, इनके साथ फ्रेंच ट्रैवलर थे फ्रांसिस बर्नियर, वो उनके साथ आए। इनके टाइम पीरियड के दौरान 14 गवर्नर को चेंज किया गया। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ये आपस में ही उलझे रहे, लूटपाट बड़ी करते रहे। और इनके साथ साथ अहमद शाह अब्दाली 1752 में जो लाहौर में आए हुए थे, दो कश्मीरी नोबलमैन जाते हैं इनके पास, मीर मुकीम कंत और ख्वाजा जाहिर दिदमारी, वो उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर को अपने कब्जे में ले लो, मुगल के बस की बात नहीं है अब। तो अफगान जैसे आते हैं अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह के हूटर होते हैं, नादिर शाह के लुटेरे होते हैं, वो अपनी आर्मी को लेके जाते हैं, और उस आर्मी का कमांडर होता है अहमद अब्दुल्ला खान इशाक, और वो जाके कश्मीर मुगल्स को डिफीट करके और कश्मीर को अपने अंडर में ले लेते हैं। 1753 से 1890 तक, रफली 67 ईयर ये रूल करते हैं। फर्स्ट अफगान के जो गवर्नर होते हैं अब्दुल्ला खान इशाक होते हैं, और ये टेररिज्म स्टार्ट कर देते हैं। डार्केस्ट पीरियड माना जाता है इनको, ये इतनी लूटपाट करते हैं कि लोग बाहर सड़कों पे घूमने से डरते हैं कि हमारे कपड़ों को ये लूट लेंगे, जो बचे खुचे कपड़े हैं, और ये खुद ही पछता रहे होते हैं कि इनसे बेटर तो मुगल्स थे। और अफगान गवर्नर में जो अमीर खान जवाहर होते हैं, वो बिल्ड करते हैं अमीरा कंडल को, शेर गरीब फोर्ट को जेलम के ऊपर बिल्ड करते हैं, अंचल लेक को, डल लेक को नल्ला अमीर खान के साथ, नल्ला अमीर खान नाम की कैनाल होती है, जो नदी होती है, उनके साथ ये जोड़ देते हैं। अटा मोहम्मद फेमस नाम है, याद रखना, की पॉइंट है, पूछा जा सकता है। अटा मोहम्मद जितने भी गवर्नर थे एक एफिशिएंट और टॉलरेंट अच्छे गवर्नर माने गए हैं। इन्होंने अपने आप को काबुल से इंडिपेंडेंस इकरार कर दिया कि मैं काबुल से बाहर हूँ। इन्होंने शेख नूरुद्दीन नूरानी, कश्मीर के संत हैं, ऋषि हैं, उनके नाम पर इन्होंने कॉइन्स इशू किए। इन्होंने काफ़ी फोर्टिफिकेशन की, किलों को स्ट्रांग बनाया, और कोहरी महन नाम का स्ट्रांग फोर्ट तैयार किया इन्होंने। जबर खान लास्ट गवर्नर थे,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द लास्ट अफगान गवर्नर, जबर खान, और इनके टाइम पे रणजीत सिंह ने ऑक्यूपाई कर लिया कश्मीर को 1819 में और लाहौर का पार्ट बना दिया, और इसके साथ ही 500 ईयर का जो मुस्लिम रूल था कश्मीर में वो खत्म हो गया। आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं सिख रूल। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, 1819 में अबाउट 30,000 सोल्जर के साथ महाराजा रणजीत सिंह अटैक करते हैं और पठान्स को डिफीट कर देते हैं। पठान बोलो या अफगान बोलो, एक ही बात है, पठान को डिफीट कर लेते हैं और रणजीत सिंह अपना एम्पायर स्टार्ट कर देते हैं। 1834 में लद्दाख, जंस्कर, बल्तिस्तान, इसके साथ साथ वाले जो एरिया होते हैं उनको भी ये कनकर कब्जा कर लेते हैं अंडर द कमांडर वजीर जोरावर सिंह। वजीर जोरावर सिंह उस समय उनकी आर्मी के कमांडर होते हैं, ये याद रखना। आगे चलते हैं, सिख रूल ओनली 27 ईयर ये रहता है, 1819 से 1846 तक सिख रूल रहा कश्मीर में। दिस इज द, और इनके टाइम पीरियड के दौरान 10 गवर्नर चेंज किए गए, 10 गवर्नर चेंज हुए। दीवान मोतीराम फर्स्ट सिख गवर्नर थे, याद रखना। मियान सिंह पॉपुलरली नोन थे, इनको कर्नल साहिब कहा जाता था, और सारे सिख गवर्नर में से ये बेस्ट गवर्नर माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, प्रॉपर वेट इंट्रोड्यूस किया, वेट एंड मेजरमेंट की टेक्निक इंट्रोड्यूस की, और इन्होंने क्या किया, जो भी दोषी पाया जाता था उनको अच्छा खासी पनिशमेंट देते थे, ये अच्छे गवर्नर थे मियान सिंह। और इन्होंने अपना बेस्ट दिया, क्या किया, ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो कृषि खराब हुई थी, व्यापार जो तहस नहस हुआ था, बिगड़ा हुआ था, उनको फिर से दोबारा ठीक करने में इन्होंने अपना योगदान दिया, जो वैली में ये खराब हो चुका था। शेख इमान उद्दीन लास्ट सिख गवर्नर का माने जाते हैं, ये कश्मीर के जो लास्ट सिख गवर्नर थे वो शेख इमान उद्दीन थे। और उनके साथ ही आगे क्या हुआ, आगे नोट करके, 1846 में जब ब्रिटिशर ने डिफीट किया सिख को, ब्रिटिशर इंडिया में तो 1600 के अराउंड आ चुके थे, बट उन्होंने पहले उस समय बंगाल, बिहार और बॉम्बे प्रोविंस पे अपना अनेक्सेशन की हुई थी, अपना कब्जा किया हुआ था, और धीरे धीरे ये 1846 के अराउंड इन्होंने कश्मीर वाली तरफ अपना आना स्टार्ट किया। और जैसे ही कश्मीर की तरफ आए, इन्होंने सिख की आर्मी को, जो रणजीत सिंह को की आर्मी थी, उनको अटैक किया और अनेक्स कर लिया, पंजाब को अपने अंडर कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गुलाब सिंह जी को पंजाब, सॉरी गुलाब सिंह जी को इन्होंने, जो जम्मू के राजा थे, उनको 75 लाख नाना शाही रुपीस, उस समय की जो करेंसी थी उनमें इन्होंने 75 लाख नाना शाही रुपी में जम्मू के राजा थे गुलाब सिंह, उनको बेच दिया कश्मीर, उनको कहा भाई आप लो, आप संभाल लो, हमसे नहीं हो रहा ये। और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर स्टेट का निर्माण हो गया, जम्मू कश्मीर स्टेट स्टार्ट हो गई। जब हम जम्मू की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके साथ हम इसको लिंक करेंगे, फिर ये इजीली समझ आएगा। इस नोट को आप इतनी देर तक अपने माइंड से स्किप कर लीजिए कि हमने हम पढ़ा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा, ये याद रखिए, सिख रूल 1819 में सिख रूल स्टार्ट होता है, 30,000 की आर्मी के साथ महाराजा रणजीत सिंह आते हैं, पठान को मार गिराते हैं, 1834 में लद्दाख, जंस्कर, बल्तिस्तान को कनकर कब्जा कर लेते हैं, वजीर जोरावर सिंह के इनके कमांडर होते हैं, 27 ईयर इनका रूल रहा, 10 गवर्नर चेंज किए गए, दीवान मोतीराम फर्स्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर के, मियान सिंह को कर्नल साहिब कहा जाता है और सिख गवर्नर में सबसे माने हुए बेस्ट गवर्नर थे। इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जितने भी दोषी पाए गए उनको काफ़ी पनिशमेंट करते थे, ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो तहस नहस हुआ पड़ा था उनको फिर से ठीक करने की कोशिश की। शेख इमान उद्दीन लास्ट सिख गवर्नर थे, और उनके बाद हुआ क्या, 1846 में ब्रिटिशर ने सिख्स को डिफीट कर दिया, बस इतना याद रखो। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू। थैंक यू एंड बाय बाय।